हेलो फ्रेंड्स, जेट एयरवेज पे ध्यान रखें। जेट एयरवेज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में। इट्स अ मंथली चार्ट। अगर ये स्टॉक्स ऑलरेडी अगर आप देखें, काफ़ी हाई साइड से इसमें सेलिंग हमने देखी है, 1350 से लेके अभी 623 के पे ट्रेड हो रहा है। एंड अगर कोई कैश में जाता है तो इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकता है। बट सेकेंडली मैं इसमें सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई फिलहाल इस मंथ के लिए जाता है, करंट मंथ के लिए, तो आई थिंक ऑप्शन इज मच बेटर। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो इज वेरी हाई। सी द चार्ट। लास्ट टाइम ये स्टॉक ने एक डोजी बनाया था हाई टू हाई। इट वाज अ वेरी ऑसम। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक डोजी बनाया था, देन अगेन एक डोजी बनाया जो कि यहाँ फेलियर हो गया है। ये अगर स्टॉक आप देखें तो इसने डोजी फेलियर करा है और लास्ट कैंडल को क्लोजिंग अपसाइड देते हुए वॉल्यूम वाइज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया। और ये पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में, जो लास्ट 4 to 5 days के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, तो 4 to 5 days के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। स्टॉक एक अच्छे लेवल पे ट्रेड हो रहा है। यह अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है, एक बार 633 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, तो वी विल सी अ शार्प अपसाइड इन इस स्टॉक। सो मेरी एक्सपेक्टेशन इसमें कि काफ़ी एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ ताकि एक क्लियर व्यू आप लोगों को दिख सके। सीधा ये कि काफ़ी जिग-जैग के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है। एक अच्छा इसने ट्रेंड दिया है। पहला रिवर्स है, इसने डबल बॉटम का यहाँ दिया। और एक ये सपोर्ट जोन पे आके ट्रेड हो रहा है 591 का। इस एक अच्छा सपोर्ट लेके फिर अगेन इसने रिवर्स दिया है और ये रिवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर ये कम एक या दो दिन में स्टॉक अगर 633 के ऊपर निकलता तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। सो बाय 700 कॉल नियर 729, इसे जो भी आपको लगाना हो, लॉट साइज साइज 1200 एंड होल्ड टिल टारगेट 40 to 60 रुपीस। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट स्टॉक्स में कम से कम जो अपसाइड का मूव आना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो ये अभी इसका फिलहाल का ईयरली वाइज ब्रेकआउट होगा, जो आई थिंक स्टॉक को 750-760 का लेवल टेस्ट करा सकता है इस मंथ में। सो इस पे ध्यान रखें। स्टॉप लॉस अगर ये बट ये अगर 600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो प्लीज़ ये इससे एग्जिट हो जाए। यह अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से एसएल रखें, बट क्या दूर का एक काफ़ी दूर का स्ट्राइक प्राइस है तो एसएल ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कि हो अगर एसएल खाने के बाद अगर स्टॉप चला गया, स्टॉप एसएल हिट होने के बाद चला, तो कहीं ना कहीं वो एक काफ़ी एसएल जाने ज़्यादा दुख होगा। तो प्लीज़ एडवाइजेबल है कि आप अगर यहाँ रिस्क ले सकते हो, इसमें रिस्क ले और डाउन साइड भी मिलता है तो काफ़ी अच्छा आपके लिए ये एक रिटर्न दे सकता है। सो हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ अब मैं इसमें एक अब जो भी कॉल्स निकला करेगी वो एक एजुकेशनल पर्पस से स्टॉक उसके बारे में अपडेट करना शुरू करूँगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, वो सभी मैं अब अपडेट करना शुरू करूँगा कि ये कॉल्स क्यों निकाली। क्योंकि मैक्सिमम व्यूअर जो उनका एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, जो मुझे व्हाट्सअप पे आता रहता है कि ये कॉल क्यों दी है, इसका रीज़न क्या है, तो मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। सो सब्सक्राइब करें चैनल एंड ऑलवेज बी इन टच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट्स।